परिषद प्राइमरी स्कूल अम्भई। मेरी कहानी का उन्वान है फूलों का क्लिप। इसमें तीन किरदार हैं, सोफिया, तितली, काजल। चलो आप कहानी शुरू करते हैं। एक दिन काजल बाग में गई। बाग में बहुत सारी तितलियां थीं। तितलियां फूलों के अतराफ घूम रही थीं और वो फूलों का रस चूस रही थी। काजल सबसे बड़ी तितली के पीछे जाने लगी। उस तितली का रंग नीला, पीला और लाल था। तितली उड़कर गुलाब के फूल पर बैठ गई। काजल उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़कर झंडू के फूल पर जा बैठी। काजल उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़कर चमेली के फूल पर जा बैठी। काजल उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़कर दीदापली के फूल पर जा बैठी। काजल उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़कर सूरजमुखी के फूल पर जा बैठी। काजल उसके पीछे भागने लगी। सोफिया भी बाग में थी। उसने अपने बालों में फूल से तैयार किया हुआ क्लिप लगाया था। क्लिप में फूल गुलाबी रंग के थे। फूलों के नीचे हरे रंग के पत्ते थे। अचानक तितली उड़कर सोफिया के क्लिप पर बैठी। तितली को लगा कि ये सचमुच फूल हैं। तितली के जाने के बाद काजल ने सोफिया से वो क्लिप मांगी और उसने वो क्लिप बालों में लगाई। काजल क्लिप लगाकर वहीं बैठ गई। वो खामोश बना बिना हिले जले बैठ गई। काजल तितलियों का इंतजार कर रही थी। काजल ने बहुत देर तक इंतजार किया। अचानक उसके करीब बहुत सारी तितलियां आई। एक तितली भी उसके क्लिप पर बैठ गई।